हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को ग्रांट किया गया है। करीबन 28,732 करोड़ की कैपिटल परचेज के लिए, यानी कि हमारे आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट के इक्विपमेंट्स हैं उनकी परचेज के लिए, जो कि बाय इंडिया IDDM के अंतर्गत ली जानी है, यानी कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले इक्विपमेंट्स के लिए हैं। तो इस पर हम विस्तार में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स की परचेज को यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंतर्गत जो अमाउंट अलॉट की गई है इंक्लूड किया गया है। लेकिन इससे पहले हम अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर देख लेते हैं। तो अन अकेडमी का जो अनलॉक 20 ऑफर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, और आपको हमारा रेफरल कोड MATRIX10 यूज़ करने पर अन अकेडमी कोर्सेज में 10% के बजाय सीधे 20% ऑफ मिलेगा। तो ये NDA, CDS, FCAT, CAPF, SSB, एयर फोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब के लिए वैलिड है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस ऑफर की वैलिडेशन की जो लास्ट डेट है वो 29th July है। तो आपको अगर यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो जल्दी करनी पड़ेगी। बाकी CDS का जो प्रैक्टिस बैच है वो चालू हो रहा है, मकसद CDS बैच के नाम से, और ये जुलाई 28 से चालू होगा। तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो जोश FCAT क्रैश कोर्स है वो जुलाई 21 से ही चालू है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो NDA 2 का प्रैक्टिस बैच है ये भी जुलाई 21 से चालू है और सितंबर 2 तक चलेगा। ये दक्ष NDA 2 के नाम से है, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। याद रखिए रेफरल कोड जो है वो MATRIX10 है। बाकी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अन अकेडमी के जो ब्रांडेड नोट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, और इसकी जो डिटेल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाएँ और अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज़ करें। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस इक्विपमेंट्स को लेकर जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सेप्ट किया गया है। तो लिस्ट में जो पहली चीज़ें हैं ये इंडियन आर्मी के लिए हैं, जिसके अंतर्गत एरिया डिनायल म्यूनेशन टाइप 1, एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड को मंजूरी दी गई है, जो कि इंडियन सिस्टम होने वाले हैं। और इन तीनों के लिए जो प्रपोज्ड अमाउंट है वो 8,599 करोड़ है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन है ये गाइडेड पिनाका ER होंगे, जहाँ पर आपको 75 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है और जो एक्यूरेसी मिलती है वो अराउंड 40 मीटर्स के आसपास की मिलती है। बाकी जो दूसरा सिस्टम है वो भी आपका रॉकेट ही है, ये एरियल डिनायल म्यूनेशन टाइप 1 रॉकेट एम्यूनेशन है। और जहाँ तक चांसेस हैं ये पिनाका रॉकेट के ही टाइप है। ये जो ड्यूअल पर्पज इम्प्रूव कन्वेंशनल म्यूनेशन या फिर DPICM होते हैं, ये एक डिस्टेंस और एरिया में सब म्यूनेशन में डिवाइड होते हैं। और ये जो सब म्यूनेशन है ये आपके एंटी आर्मर भी हो सकते हैं और एंटी पर्सनल भी हो सकते हैं, और ये बेसिकली एरियल डिनायल रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये म्यूनेशंस या फिर रॉकेट जो हैं इनको लिया जाएगा। बाकी जो तीसरी चीज़ है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जो कि इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, शेयर करने में और रियल टाइम प्रेजेंट करने में कमांडर्स को हेल्प करेगी, ताकि कमांडर्स को सहूलियत मिल सके डिसीजन मेकिंग में। तो बेसिकली आप इसे एक इंटेलिजेंस व्हीकल कह सकते हैं, जो कि स्मार्ट इक्विपमेंट से लैस होगा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और इसे एक्वायर करने के लिए। और ये भी इन हाउस ही प्रोड्यूस किया जाएगा और DRDO द्वारा किया जा सकता है। बाकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो एक्सेप्ट करी गई है Level 4 प्रोटेक्शन के बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, जो कि उन ट्रूप्स द्वारा यूज़ किया जाएगा जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में है और बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। बाकी जो दूसरी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये करीबन 400,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस को लेकर है, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो कराकल की कार्बाइंस ली जानी थी उसको होल्ड पर डाल दिया गया है, और अब इंडियन कार्बाइंस जो हैं उन्हीं को लिया जाएगा, जिसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है 400,000 कार्बाइंस का, इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 60-40% का L1 और L2 यानी कि जो लोएस्ट बिडर होंगे पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर, उनमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कई ऐसे इंडियन प्राइवेट गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है।
बाकी आगे बढ़ें तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोनोमस सर्वेलेंस एंड आर्म ड्रोन्स स्वार्म्स की एक्सेप्ट करी गई है, यानी कि यहाँ पर स्वार्म ड्रोन्स की बात चल रही है जो कि सर्वेलेंस के लिए और अटैक के लिए यूज़ किए जाने हैं। तो ये हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा इसकी टेस्टिंग जो है वो पहले से चल रही है और इवन इंडियन आर्मी ने जो स्वार्म ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है लाइव टेलीविजन पर। लेकिन अब ऑफिशियली ये चीज़ें जो हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने वाली हैं और गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो स्टेप है उसको ले लिया है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और यहाँ पर कई प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं और वो भी बहुत कम समय में। तो यहाँ पर हम अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ही है। बाकी जो अगली कैपिटल परचेजेस हैं ये नेवी के लिए हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला है वो INS कोलकाता क्लास शिप के मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर को लेकर है जो कि यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। करीबन 1250 किलो वॉट की कैपेसिटी वाला ये जो जनरेटर है इसको प्रिक्योर करने की बात कही गई है और ये इंडियन ही होने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोपल्शन सिस्टम है कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में ये कोगैग है, यानी कि कंबाइंड गैस एंड गैस है। तो यहाँ पर जो जनरेटर यूज़ किया जाएगा ये मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर होने वाला है जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बनाया जाएगा। तो ये 1250 यानी कि 1250 किलोवाट की पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर होगा। बाकी फाइनली जो कोस्टल रीजन है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो यहाँ पर ये मांग करी गई है कि ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स होंगे इनमें कम से कम 60% इंडियन कंटेंट जो है वो होना चाहिए और इसको भी बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत लिया जाएगा। तो ये जो लिस्ट है ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अगर हम स्वार्म ड्रोन को यहाँ पर छोड़ दें जो कि एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट है और यहाँ पर हम उस डायरेक्शन में स्टेप ले रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स हैं एक्सटेंडेड रेंज नहीं, एक्सटेंडेड रेंज जो है वो 90 किलोमीटर है, ये जस्ट गाइडेड पिनाका है, 75 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। ये भी हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करते थे, इनके टेस्टिंग वगैरह जो है वो हो गई थी और अब इनको प्रिक्योर करने की बात करी जा रही है जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, जो गाइडेड रॉकेट्स हैं वो और भी कंट्रियों द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं, पर ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में बननी चाहिए। जैसे कि क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस हो गई, ये हम UAE की कंपनी कराकल से लेने वाले थे। बाकी लेवल 4 के अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इंडिया में ही बनाने के लिए। तो इसे हम एक स्मॉल स्टेप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की ओर और ये एक काफ़ी वेलकम स्टेप है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।